कार इंश्योरेंस लेने के लिए एको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट कार इंश्योरेंस पर मिलता है। दूसरी वेबसाइट्स के कंपेयर में यहाँ पर आपको इंश्योरेंस काफी सस्ता पड़ता है और इनका क्लेम प्रोसेस भी काफी इजी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एको से कार इंश्योरेंस करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड पार्टी जैसे कि नेम से ही पता चलता है, ये थर्ड पार्टी को कवर करता है। जैसे कि अगर आपकी व्हीकल से किसी को इंजरी हो जाती है या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उसको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाता है। और सेकेंड है कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें आपको थर्ड पार्टी के साथ साथ ही ऑन डैमेज का भी कवर मिलता है। जैसे कि अगर आपकी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई डैमेज होता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो इन सब में आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कवर मिलता है। कार इंश्योरेंस लेने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना कार नंबर डालेंगे, इसके बाद व्यू प्राइसेस, आपके सामने कार की डिटेल्स आ जाएगी, कौन सी कार है और उस पर आपने जो पहले से इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपने पहले से इंश्योरेंस लिया हुआ है वो कब एक्सपायर होगा उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये सही नहीं है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। अगर आपने कार में एक्सटर्नल सीएनजी किट लगवाई हुई है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। नीचे आपका पिन कोड आ जाएगा, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद व्यू प्लान, इस कार पर आपको कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस मिल सकता है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने अमाउंट का भी आपको इंश्योरेंस चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपकी कार में कोई डैमेज हो जाता है तो इतने अमाउंट तक का इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देगी और इससे ज्यादा का जो खर्चा आएगा वो आपको अपने पास से पे करना होगा। तो अपने हिसाब से इसको आप सेट कर लीजिए, जितनी वैल्यू का भी आपको इंश्योरेंस चाहिए आप यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए। सी डिटेल्स पर क्लिक करके आप प्लान की डिटेल्स देख सकते हैं, इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो प्लान है, एक है ऑन डैमेज और दूसरा है ऑन डैमेज प्लस जीरो डेप्रिसिएशन। ऑन डैमेज में आपको क्या क्या कवर मिलेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी प्लान आपको लेना है उसमें आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको दो प्लान्स मिल जाएंगे। जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्लान में क्या क्या कवर होगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसका आईडीवी देख सकते हैं। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, इसमें आपका नेम आ जाएगा, नीचे आप एक ईमेल आईडी डालेंगे, पिछला इंश्योरेंस आपका किस कंपनी से था उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी किस डेट से स्टार्ट होगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए, इससे जो यहाँ पर जीएसटी अमाउंट है इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे, एक बार सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे, इसके बाद पे नाउ। पेमेंट आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी वॉलेट से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यूपीआई से पे करना है तो यहाँ जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे या फिर अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं तो इस तरह से आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन से इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद जब भी आपको क्लेम करना हो तो आप echo.com या मोबाइल ऐप में लॉगिन करके अपनी क्लेम रिक्वेस्ट को रेज करेंगे या फिर आप डायरेक्ट इनके कस्टमर सपोर्ट नंबर पर कॉल करेंगे। इसके बाद आपकी कार को पिकअप कर लिया जाएगा और उसको रिपेयर कराकर आपके एड्रेस पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपनी कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।